बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ फ्रेंड्स, और आप सबकी भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने अपने घरों में बहुत ही खुश और खुशहाल होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरे घर कुछ गेस्ट आए थे और वो इतना प्यारा सा मेरे लिए गिफ्ट लाए थे, तो सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को दिखाऊँ उन लोगों का गिफ्ट जो है। हालांकि मैं उन लोगों की वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाई और वो लोग थोड़ा सा पर्दे वाले थे, तो फिर वो उन्हें मतलब मैं उनको बिल्कुल भी नहीं ले सकती थी, तो हर कोई अलाउ नहीं करता है फ्रेंड्स उनको लेने के लिए, तो वो मुझे भी नहीं अच्छा फील हो रहा था। तो खैर, वो लोग मेरे लिए बहुत प्यारा सा जो एक गिफ्ट लेकर आए थे, तो देखें मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उन्होंने बोला कि तुम मतलब यूट्यूब पर काम करती हो और तुम किचन का ही काम करती हो, तो हम तुम्हारे लिए वैसा ही गिफ्ट लेकर आए। तो बस फ्रेंड्स देखें आप लोग, और जी बड़ा प्यारा सा ये लोग मेरे लिए जो है मसालेदानी लेकर आए थे। और यकीन करें फ्रेंड्स, आप पता है ये जो मसालेदानी है ना, मुझे काफ़ी टाइम से बड़ी पसंद थी, मैं काफ़ी देखा करती थी, और जो है एग्जैक्ट तो नहीं थी बट मैंने देखी थी इसको अभी जल्दी ही, वहाँ पे दिल्ली हाट में भी मैंने देखा था, तो जो है मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो शायद मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसलिए मेरे लिए आ गई थी। तो देखिए मैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगी ये मसालेदानी, और मैं इसको ज़रूर इंशाल्लाह जल्दी अपने किचन में जो है वो ऐड करूँगी। अभी मेरे पास दो हैं ऑलरेडी, वो मेरे पास एक तो टपरवेयर की है और एक और मैंने किसी लोकल शॉप से मार्केट से ख़रीदी थी, तो अभी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इंशाल्लाह अभी तो मैं फ्रेंड्स इसको नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं एकदम से कोई चीज़ ना बहुत यूज़ नहीं कर पाती हूँ, अभी मैं फ़िलहाल इसको रख दूँगी। अच्छा जी, ये कुछ हमारे आया था अमेज़ोन से, और ये देखें ये कौन है, ये इरम खोल रही है, इसको ओपन कर रही है, और ये इरम का जो है वो आया था कुछ एक मतलब पार्सल, और इरम ने कुछ ऑर्डर करवाया था तो वो आ गया था उसका। तो देखिए इरम ने मंगवाई थी अपने लिए वॉच, और ये वाली वीडियो है तकरीबन 5-6 दिन पुरानी, क्योंकि इरम के जाने से पहले मैंने बताया था इरम अभी अपने गांव गई हुई है, तो उसने स्पेशली अपने गांव पे जाने से पहले ही ये मंगवाया था। और बड़े शौक से देखें फ्रेंड्स, उसने बड़ी खूबसूरत घड़ी मंगवाई थी, इतनी खुश थी ना इस घड़ी को लेके, तो बोली कि बाजी प्लीज़ मेरा अनबॉक्सिंग करते हुए आप वीडियो बनाइए, तो मैंने कहा ज़रूर बनाऊँगी। तो देखें बच्चियाँ जो हैं कितनी मेहनत करती है माशाल्लाह से, और इसने अपनी ईदी जमा करी थी फ्रेंड्स, उससे इसने मंगवाई थी, माम से इसने ऑर्डर करवाई कि माम प्लीज़ मेरे लिए ये ऑर्डर करो, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखें वरना क्या होता है ना, ये पैसे वगैरह सारे वेस्ट कर देते हैं ये लोग जो है खाने पीने में इस तरीके से। तो माम ने इसे बोला था कि इरम तुम जो है कुछ अच्छा सा अपने लिए मंगाओ जिससे मैं मंगाती हूँ, तो माशाल्लाह इरम की देखिए कितनी प्यारी वॉच आ गई है। तो बस ये बड़ी खुश थी इरम, और खैर वो आ जाएंगी अब 2-3 दिन में, और इसीलिए मेरे ब्लॉग्स भी ना कम आ रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अकेली पड़ गई हूँ किचन से आने के बाद, मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं होती करने की, वो होती थी तो मुझे साथ हो जाता था, ज़रा मेरी हेल्प कर देती थी। अच्छा फ्रेंड्स, अब आप लोग ये देखें मैं आज बना रही हूँ हलीम, और जी अच्छा सुबह ही मेरे पास कई कॉल्स आ गए थे आज कि आप हलीम बना रही हैं क्या, तो खैर मैंने जो है हलीम का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन जब मैं वहाँ किचन में पहुँची तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि है ना अगर हो सके तो हलीम बना लो, तो मैं भी बड़ी एक्साइटेड हो गई। अच्छा जी, जो मैं आपको शान का हलीम मिक्स दिखा रही हूँ ना, ये मेरी फ्रेंड दुबई से लेकर आई थी, तो ये तब से यूज़ ही नहीं हुआ था, तो जब हलीम की बात हुई तो मैंने फ़ौरन घर से ये मंगवाया, मैंने कहा कि अरे चले मैं देखें आप कुछ इस तरीके से इसके अंदर आया है, और जो है लेकिन मेरा जो है ना मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो ये सफिशिएंट नहीं है हमारे लिए, तो मैंने क्या करा है कि हमारे ना करीब में ही मतलब जैसे चक्की वाले होते हैं ना जहाँ आटा वगैरह मिलता है, उनके यहाँ हलीम का जो ये मिक्सचर मिलता है, तो बस मैंने वहाँ पे भेज के अभी और मंगवाया है, तब तक मैंने सोचा कि मैं बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो जी मैंने इसके अंदर देखिए डाल दिए चने की दाल, और अब जी मैं डालूँगी इसके अंदर मूँग की दाल, तो मैं 2-2 कप सारे डाल रही हूँ फ्रेंड्स, 2 कप्स हैं तो तकरीबन समझ लें 200 ml का एक कप होता है, तो 400 ml की सारी दालें जाएंगी इसके अंदर, तो मैंने चने की दाल भी इतनी ही क्वांटिटी ली थी, और मैं मूंग की दाल भी इतनी ही ले रही हूँ। और नेक्स्ट फ्रेंड्स इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मसूर की दाल, तो ये भी मेरी जो है 2 कप ही जाएगी। तो बस जितनी देर में हमारे बाकी का सामान आएगा, क्योंकि मैंने मार्केट भेज दिया था लेने के लिए, और ये मैंने डाल दिया उड़द की दाल फ्रेंड्स, उड़द की दाल मैंने 1 ही कप लिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेसदार होती है, तो 1 कप सफिशिएंट है। और जी बस अब ये देखें आप सारी जो है दालें वाले मैं मिक्स करके सारी मिक्स कर दूंगी फ्रेंड्स, और इसको उसके बाद जो है मैं वॉश करूंगी। अभी फ़िलहाल मेरा जो बाकी मैंने क्या करा है, 1/2 kg मैंने फ्रेंड्स जो इसका हलीम का जो मिक्सचर होता है ना गेहूं वगैरह का, वो और मंगवा लिया, तो वो 1/2 kg इसमें भी और डलेगा। देखें मैंने ये भिगा दी थी और ये तकरीबन 3 घंटे ये सोक हुई है, आप लोग देख सकते हैं अब इसका जो है काफ़ी ज़्यादा फूल गई थी फ्रेंड्स, और अब मैं इसको रख दूँगी गलाने के लिए। तो जी बस अच्छा गोश्त देखें, गोश्त है हमारा 4 kg फ्रेंड्स,
4 किलो गोश्त है, हड्डी के साथ भी है और बोनलेस भी था, सब मिक्सचर सा ही है। और जो है बस ये भी मैंने भीगने ही रख दिया था। तो देखेंगे, मैंने कुकर में अब डाल दिए सारी दालें धुलने के बाद, और उसके अंदर मैं डालूंगी हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर मैंने 3 टेबल स्पून फुल भर के डाले हैं फ्रेंड्स इसके अंदर। और ये डाल दिया था नमक, वो मैंने डाला था 2.5 टेबल स्पून, क्योंकि ये पकने के बाद फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मतलब क्वान्टिटी इसकी हो जाएगी, तो ये मैं भी सिर्फ दालों के हिसाब से डाल रही हूँ। फिर अब मैंने इसके अंदर डाल दिया था पानी, और पानी के बाद थोड़ा सा डाल दिया था तेल, ताकि जो है प्रेशर कुकर में मतलब निकले नहीं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने अलग से बनाई थी फ्रेंड्स खिचड़ी। खिचड़ी की रेसिपी आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बहुत सिंपल खिचड़ी मैं बनाती हूँ। मैं हलीम के अंदर फ्रेंड खिचड़ी भी ज़रूर डालती हूँ। तो देखें जी, मैंने खिचड़ी अलग से पूरी पका ली थी, दालें मेरी सारी गल गई हैं, तो अभी मैं खिचड़ी भी इसके अंदर डाल के फ्रेंड बहुत अच्छे से जो है सारी चीज़ें मिक्स कर दूंगी, मथ दूंगी इनको, ताकि बिल्कुल एक जान हो जाएंगी। तो देखिए, मैं कुकर से खाली करके, ताकि अब कुकर में तो हो नहीं सकता फ्रेंड, तो मैं एक बड़े पतीले में कर रही थी। अच्छा जी, अब मैं इधर भून लूँगी गोश्त। तो जी, तेल मैंने गरम किया है, मैंने तकरीबन लिया था 3 पाव तेल, 3 पाव मैंने तेल लिया है इतनी क्वांटिटी के लिए। और जी, उसके बाद मैंने डाल दी थी प्याज, प्याज तकरीबन मेरी 1.25 किलो प्याज मैंने इसके अंदर डाल लिया फ्रेंड, क्योंकि फ्लेवर आना चाहिए ना जब इतनी क्वांटिटी में बनेगी चीज़। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है फ्रेंड, बस थोड़ा सा इतना ही। देखें आप इस पोजीशन पे, मैंने इसके अंदर डाल दिया था गोश्त, आप देख सकते हैं गोश्त बेहतरीन है फ्रेंड, बहुत अच्छा। अच्छा, आप लोग बड़े पीसेस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने छोटा छोटा ही डाला था, क्योंकि वैसे इसमें बड़े अच्छे लगते हैं जब रेशे वाला आपको बनाना हो ना खूब ज़बरदस्त सा। लेकिन मेरे हस्बैंड की स्पेशली फरमाइश थी कि उन्हें बोटियाँ ही चाहिए थी इसके अंदर। तो जो है बस जी, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने खूब सारा डाल दिया है इसमें, तकरीबन मैंने डाला होगा फ्रेंड्स ये मैंने 7 से 8 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब जी, मैंने लिया है 1 टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, जो कि मेरा होममेड है। और मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया था 3 टेबल स्पून, और मैंने 5 टेबल स्पून लिया है धनिया पाउडर, और मैंने 5 टेबल स्पून ही ली है लाल पिसी हुई मिर्च, और हल्दी पाउडर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो दालें थी उसमें मैं सारी जो है हल्दी डाल चुकी हूँ। तो बस जी, अब मैं इसके अंदर जो है गोश्त के हिसाब से मैं मसाले डाल रही हूँ, और ताकि खूब अच्छे से अब मुझको इसको भूनना है फ्रेंड, बेहतरीन तरीके से मुझे इसकी करनी है भुनाई, आप लोग देख लें। और जी, काफ़ी ज़्यादा गोश्त है, तो थोड़ा सा चलाने में हो रही थी दिक्कत, दिखने में इतना नहीं लग रहा फ्रेंड, बट रियल में जब मैं कर रही थी तो काफ़ी लग रहा था। अच्छा, नमक मैंने नहीं डाला था, तो अब मैंने इसके अंदर नमक डाला। नमक मैं अभी सिर्फ गोश्त के हिसाब से डाल रही हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके अंदर डाल चुकी हूँ, दाल में मैं नमक डाल चुकी थी, तो अब मैंने सिर्फ गोश्त के हिसाब से भी डाला है। और बाकी हम जब मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि नमक मिर्च जो भी कम होगा फ्रेंड, मैं वो फिर से ऊपर से डालूंगी। अच्छा, देखिए आप, ये पक रहा है खूब अच्छे से, हमारी भुनाई चल रही है गोश्त के अंदर। देखें आप कितना बढ़िया भुन रहा है फ्रेंड। और अब मैंने इसके अंदर 1 kg पूरी दही डाल दी है, ताकि इसमें ज़रा खटास का भी ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आए, और भूनने में बड़ा अच्छा, मतलब आप 1 किलो दही का आप समझ सकते हैं, अगर आप 1 kg बना रहे हैं तो उसमें 250 ग्राम से दही जाती है। तो मैंने इसके अंदर 1 kg दही डाली है, देखिए कितना ज़बरदस्त फ्रेंड, देख रहे हैं आप कितना प्यारा ये भुन गया है, बहुत ही अच्छा। और आप देखें सारा ऑयल इसने रिलीज़ कर दिया। तो मैं क्या करूँगी फ्रेंड, अलग से बगान नहीं करूँगी, इसी का जो ऑयल है फ्रेंड्स वो मैं अलग कर रही हूँ। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या करा, जब मेरा खूब अच्छे से भुन गया था गोश्त, तो मैंने कुकर में डाल के उसको भी सीटी लगा दी थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था फ्रेंड मेरे, आपको पता है काफ़ी काम होते हैं। अच्छा जी, वो सारे मैंने मिक्स एक साथ कर लिया था, और ये जो गोश्त मैंने अलग से भुना इसको इसके अंदर मिक्स कर दिया, आप देखें। अब मैं बहुत अच्छे से इसको मिक्स करूँगी फ्रेंड, अब क्या है ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, तो अभी मैं पहले सारा मिक्स करने के बाद इसको 2 भगोनों में ट्रांसफ़र करूँगी, मतलब कि आधा मैं दूसरे भगोने में कर लूँगी, क्योंकि अभी ये गाढ़ा बहुत ज़्यादा है, तो इसमें भी थोड़ा पानी भी जाएगा। और फिर मैं उसके बाद इसे बहुत अच्छे से मुझे पकाना है इसमें। और जी, मैंने देखा तो इसमें नमक और मिर्च दोनों कम है, तो मैंने इसमें डाल दिया था नमक और मिर्च दोनों चीज़ें। और जी, अब आप ये देखें, रोज़ा था हम लोगों का, तो फिर मैं ये बन रही थी फ्रूट चाट, और बस देखें थोड़ी सी हमने फ्रूट चाट ही करी, क्योंकि उसके बाद हमने हलीम खा लेना है, और कोई हमने तैयारी नहीं करी थी फ्रेंड, क्योंकि काम आप देखें सारे पैकेट्स रखे हुए हैं फ्रेंड, डिलीवरी जानी थी। और ये देखें मैं सब लोगों के ये पैक कर रही थी जो मुझे हलीम सबको देना था फ्रेंड्स, मैंने जो है अपने सभी रिलेटिव्स के यहाँ दिया था, और अपने मतलब आस पड़ोस में दिया था, तो बस उसी की मैं पैकिंग वैकिंग कर रही थी। और इधर बिल्कुल अफ्तार का टाइम था, तो ये सोचा कि पहले अफ्तार कर लेंगे और उसके बाद ही फिर बंटवाते हैं। और ये मेरा खाना रखा हुआ है फ्रेंड जाने के लिए। तो देखिए मैंने सारे इस तरीके से कुछ गार्निश कर रहा था, वो जो मैंने ऑयल निकाला था ना फ्रेंड, मैं भी आपके आगे दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से करा था,
एक्चुअली क्या है ना यहाँ पे फ्रेंड, बहुत ज़्यादा बर्तन तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई वैसी क्रॉकरी मैं रखती नहीं हूँ, सब मेरे घर पर होते हैं। तो यहाँ पे बस मुझे एक प्याला हाथ लगा, तो मैंने कहा मैं इसी में दिखाती हूँ। तो बस देखें जी, हलीम शानदार बना है फ्रेंड्स। और देखें मैंने इसको निकाल दिया है, और अब ये देखें आप, मैं ऑयल इसमें डाल दूँगी, जो मैंने ऑयल निकाला था ना फ्रेंड, इसमें अलग से बघार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जी इसमें डाल दूँगी ब्राउन करी हुई प्याज, और अब इसके अंदर जाएगा हरी मिर्च, हरा धनिया, और ये ज़बरदस्त बना था फ्रेंड, मेरा यकीन करें। मतलब एक एक बंदे ने मुझे मैसेज करके बताया कि हलीम सबको बहुत पसंद आया, माशाल्लाह से वाकई बहुत अच्छा बना था, बेहतरीन बना था फ्रेंड्स। और जब आप देखें, ये मेरा जो है बिल्कुल लास्ट इसका, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बाकी मैंने माशाल्लाह से काफ़ी बना था, सब बट गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को आज की मेरी वीडियो? थोड़ी भी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दीजिए मुझको इजाज़त, कर मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।